small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. So guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So right now I am in Punjab और ये जगह पड़ती है सेक्टर 85 मोहाली. सो अभी जिस गेटेड कम्युनिटी के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड वेव स्टेट. सो यहाँ पर बेसिकली लो राइज डेवलपमेंट है और ये पूरा जो सेक्टर है मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से वेव के पास है. और वेव के साथ साथ यहाँ पर और बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट गेटेड कम्युनिटीज़ डेवलप करी है यहाँ पर. सो ये पूरी जो जगह है बेसिकली ये वेव के पास है और यहाँ पर वेव ने खुद तो डेवलपमेंट करी है, इसके साथ साथ यहाँ पर और बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिनको इन्होंने FSI ट्रांसफ़र करके उन्होंने वहाँ पर उसी प्लॉट पर इंडिपेंडेंट गेटेड कम्युनिटीज़ डेवलप करी है. सो ये पूरा जो सेक्टर अभी आप देख रहे हैं ये बेसिकली 85 सेक्टर के अंदर ही आता है. और यहाँ पर ये पूरी इनिशियली जो लैंड एलोकेट हुई थी वो वेव को अलॉट हुई थी, जिसको इन्होंने नाम दिया वेव एस्टेट. सो मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर आते हैं, सो ये एक आइकॉनिक लैंडमार्क है वेव एस्टेट का. इसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जितनी भी डेवलपमेंट दिखेगी वो लो राइज डेवलपमेंट दिखेगी. सो राइट हैंड साइड पे जो अभी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ये वेव की अपनी डेवलपमेंट है. और इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मेजॉरिटी आपको इंडिपेंडेंट प्लॉटिंग दिखेगी. सो ये प्लॉट्स मेजरली वेव ने ही काटे थे, 250 गज इनका प्लॉट एरिया है. और उसके बाद यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के लिए अलग अलग बिल्डर्स को भी इन्होंने FSI ट्रांसफ़र करी. सो जिसके बाद अभी आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला प्रोजेक्ट निकल गया दैट वाज पैराडाइज. और इसके बाद लेफ्ट में जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी आप देख रहे हैं दिस इज़ जॉय होम्स. सो जॉय होम्स का एक और प्रोजेक्ट है जो इसी बेल्ट में आगे लेफ्ट हैंड साइड पे अंदर पड़ता है. सो दैट इज़ कॉल्ड जॉय स्मार्ट होम्स. और लेफ्ट हैंड साइड पे एक और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड कैनवस एट 85. सो ये तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी आप इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे. इसके साथ साथ अगर टाइम मिला तो आई विल ट्राई टू कवर वेव स्टेट एज वेल. बिल्कुल ठीक सामने जो अभी आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं दैट इज़ जॉय होम्स 2. और यहाँ पर वेव स्टेट के अंदर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 18 पार्क्स हैं जो एज़ पर बिल्डर्स हैं. और अब यहाँ से अगर लेफ्ट लेते हैं तो बीच में अभी जो आप ये पार्क देख रहे हैं सो इस टाइप के यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 18 पार्क्स हैं और ये सबसे बड़ा पार्क है वेव स्टेट का. बिल्कुल ठीक सामने जो अभी आप ब्रांड न्यू डेवलपमेंट देख रहे हैं दिस इज़ कैनवस एट 85. और इसी के जस्ट राइट हैंड साइड पे अगर आप फोकस करें तो वहाँ पर अपनी डेवलपमेंट है वेव की. सो वेव बुलेवार्ड. जस्ट सामने की तरफ अभी जो आप देख रहे हैं ये पूरा वेव गार्डन्स है. सो ये वेव की अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन है. और इसके अलावा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे अभी जो आप देख रहे हैं ये भी वेव की अपनी कंस्ट्रक्शन है. मोहाली और इनफैक्ट पंजाब के अंदर यहाँ पर जो बिल्डर फ्लोर कॉन्सेप्ट है, जो गेटेड कम्युनिटी हो या फिर शेयर्ड कम्युनिटी हो, सभी के अंदर एक खास बात ये है कि यहाँ पर जो बैक टू बैक विलास होते हैं जिसके अंदर बैक जो वॉल होती है वो कॉमन होती है दिल्ली और NCR के अंदर, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है. यहाँ पर अभी मैंने 3 प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करे. आई स्टार्टेड विद पैराडाइज, उसके बाद जॉय स्मार्ट होम एंड द लास्ट वन वाज कैनवस एट 85. सो तीनों के अंदर जो मिनिमम डिफरेंस था एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में वो 24 फीट का गैप था. सो 24 भी था, 26 भी था. सो ये एक अच्छी चीज़ है. इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो एयर सर्कुलेशन बनी रहती है, बाकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है हर घर की. बिकॉज अदरवाइज होता क्या है कि दिल्ली NCR में क्या होता है कि बालकनी के बीच में हार्डली 5 या 10 फुट का गैप होता है. सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द विसिनिटी सो दैट इससे आपको यहाँ पर
जो आसपास एरिया है उसका यार थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाए। सो बिल्कुल ठीक सामने की तरफ ये एक इमीडिएट हाई राइज है विच इज़ G+8। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आसपास जितना भी एरिया है वो सारा G+4 है, G+5 है या फिर इंडिपेंडेंट प्लॉट्स हैं। और आगे की तरफ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर है वेव के विलास। सो दैट्स व्हाट द एरिया इज़ ऑल अबाउट। बाकी अभी सामने की तरफ जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये रास्ता जाता है टूवर्ड्स द मेन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ वेव एस्टेट। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो अभी आप देख रहे हैं दैट्स द इंडिपेंडेंट विलास, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेजॉरिटी आपको प्लॉटिंग ही दिखेगी। बहुत ही अमेजिंग व्यू है बिकॉज पाम ट्रीज लगा रखे हैं इन्होंने पूरे रास्ते के अंदर। सो अच्छा लगता है जब आप इस तरह से ग्रीनरी के अंदर एंटर करते हैं।